वेलकम टू दृष्टि क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के एमसीक्यू की। पार्ट वन हम कर चुके हैं, आज हमारा रहने वाला है पार्ट टू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया नसीराबाद, एरिनपुरा, खेरवाड़ा या नीमच। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है एरिनपुरा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी, आउवा, एरिनपुरा, नसीराबाद या देवली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नसीराबाद। और ये क्वेश्चन पिछली कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद अजमेर में मेजर स्पॉटिस गुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी को मारकर की तथा क्रांति का अंत शिखर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद या खेरवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नसीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 28 मई 1857 नसीराबाद, सेकंड ऑप्शन 3 जून 1857 नीमच, थर्ड ऑप्शन है 21 अगस्त 1857 माउंट आबू या फोर्थ ऑप्शन है 9 सितंबर 1857 आउवा। तो राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह हुआ है नसीराबाद और ये हुआ है 28 मई 1857 को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार देश 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 कौन है। इन चारों में से आपको बताना है कि नसीराबाद छावनी को जो लूटने वाले सरदार थे वो कौन थे, किशन सिंह, डूंगर सिंह, जुंजार सिंह या अनाड़ सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डूंगर सिंह। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंत राम दुरामल पोद्दार से 15,000 रुपए की सहायता प्राप्त कर ऊंट, घोड़े व शस्त्र खरीद कर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लूट लिया। वह अंग्रेज सेना के तंबू व सामान जला दिए व लूट के 27,000 रुपए शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। फर्स्ट है बॉम्बे लॉन्सर्स, सेकंड 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, थर्ड ऑप्शन है मेरवाड़ा बटालियन, फोर्थ है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि राजस्थान में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है कि यह इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी, मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों ने विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दिए जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या फोर्थ ऑप्शन मेरवाड़ा बटालियन। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी आपकी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे पंडित नैनू राम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा मेहराब खां, खुशाल सिंह तथा राम सिंह और फोर्थ ऑप्शन है लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। तो आपके जो कोटा राज्य में 1857 के जो महान विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे
वो थे आपके लाला जवाहरी दयाल तथा मेहराब खां। कोटा में जन विद्रोह, एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी ना होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया और 6 माह तक जनता का शासन रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया। यहां 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को मेहराब खां विशालदार व जयदयाल जो वकील के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन शेल्डर की हत्या कर दी गई तथा बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? नवी शेर खां, कुशाल सिंह, नंदलाल या मेहराब खां? तो कोटा में 1857 के विद्रोह का जो आपका नेता था वो था आपका मेहराब खां। आज का अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, मेजर बर्टन या रिचर्ड? तो 1857 अक्टूबर में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था आपका मेजर बर्टन। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी के साथ करते हैं सेशन को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।